वॉर्म हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथेटिक मैथ्स अड्डा. दिस इज़ विनय पांडे हियर अगेन. स्टूडेंट्स, क्लास 12th की थर्ड वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ. प्रीवियस दो वीडियोस में हमने मैट्रिसेस के बारे में डेफिनेशन से लेकर के ऑर्डर से लेकर के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में लास्ट वीडियोस में हमने कर लिया था. डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियोस को आप देख सकते हैं. काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आज जो थर्ड वीडियो में हमारा फोकस रहेगा उसको हम स्टार्ट करते हैं. आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, कि कोई भी दो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो मैट्रिसेस में हमको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और जैसे कि मैं वीडियो के एंड में आपको न्यूमेरिकल्स हर वीडियो में दे रहा हूँ, तो आप उन वीडियोज़ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, बुक से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करें. कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें. स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक. देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन के लिए सबसे मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है, मैं पहले लिख ले रहा हूँ उसको. इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of the same order, then A plus B is defined. और वो डिफाइंड कैसे होता है उसको मैं बता रहा हूँ. सबसे जो मेन इसमें पॉइंट आपको याद रखना है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. ये पॉइंट है वो, कि कोई भी दो मैट्रिसेस का एडिशन के लिए आपको ये याद रखना है कि उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. अब ऑर्डर क्या होता है वो आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ. ये सबसे मेन पॉइंट है मैट्रिसेस का एडिशन का. और अगर आपको ये याद रहता है तो उसके आगे आपको ये देखना है कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो फिर ऐड करने में आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है उसमें. कि जैसे 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस वन, टू माइनस वन, माइनस थ्री, सपोज ये है. इन दोनों को ऐड अगर हमको करना है तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है. इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, टू. नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, टू. टू बाई टू की मैट्रिक्स है, ये भी टू बाई टू की मैट्रिक्स है. इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया. अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली ये ए वन वन है और इसका ए वन वन ये है. तो ए वन वन ए वन वन में ही ऐड होगा, यानी कि वन प्लस माइनस वन यानी कि माइनस वन हो जाएगा. दूसरा टू प्लस टू, थ्री माइनस वन एंड फोर माइनस थ्री, इट विल बी जीरो, फोर, टू एंड वन. ये आपका आंसर हो जाएगा. माइनस का साइन है तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा. इस आपको ये सेम प्रॉपर्टीज़ माइनस के लिए भी ध्यान रखनी है. अगर आपको एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस आ जाएगा. माइनस में भी यही ध्यान रखना है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन डिफाइंड या उनका सब्ट्रैक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता. जैसे मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, 1, 2, 3 प्लस 4, 5, 6, 7. आप देखिए क्या इनका एडिशन पॉसिबल है. इसका ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2. देखो इनका ऑर्डर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर है, और दोनों का डिफरेंट अगर ऑर्डर है तो इसका जो एडिशन है वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा. तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड नहीं हो पाएंगी. तो कब ऐड होंगी दो मैट्रिसेस, या कोई भी दो मैट्रिसेस को कब आप ऐड या माइनस कर सकते हो, उसके लिए सबसे मेन आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है. और ऐड करने के लिए क्या ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपको ऐड करना है. पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में होगा. इस तरीके से आपको एडिशन करना है. क्लियर स्टूडेंट्स, अभी भी कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ में. अब बात करें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. एडिशन में भी बहुत टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. उन प्रॉपर्टीज़ में आप वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसमें जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो आइडेंटिटी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव. हालांकि प्रॉपर्टीज तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं,
फिर मेनली ये प्रॉपर्टीज़ आपको यह ध्यान में रखनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे ए और बी, फिलहाल जो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ सिर्फ दो मैट्रिसेस के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसा ना समझें कि दो ही मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, दो से ज़्यादा मैट्रिसेस भी अगर आप लेंगे तब भी वो ऐड हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यह है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी दो मैट्रिसेस में अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना है और उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम है, तो उस केस में दोनों मैट्रिसेस को किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 2 3 प्लस 1 2 3 2, इसको अगर हम ऐड करें, इसको ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया, तो क्या होगा, ऐड होगा तो 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 3 5 एंड 3 प्लस 2 5। अब बी प्लस ए निकालते हैं, 1 2 3 2 प्लस 1 0 2 3, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 2 5 एंड 3 प्लस 2 5, आप देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाएगी। आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए, इसमें तीन मैट्रिसेस लेनी पड़ेंगी आपको, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी सिंपल प्रॉपर्टी, इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन मैट्रिसेस होनी चाहिए और तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है। ए प्लस पहले बी प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर उसमें ए को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, अगर आप ए प्लस बी को पहले ऐड करते हैं फिर सी में उसको ऐड करते हैं, तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी होती क्या है पहले इसको समझते हैं। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप किसी भी अदर एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट चेंज ना हो। तो आप यहाँ देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले ली, इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 2, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स के लिए अगर आपको आइडेंटिटी निकालनी है तो आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो फिर से आंसर जो आना चाहिए यही मैट्रिक्स आना चाहिए, तो ऑब्वियस है वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स, लेकिन ऑर्डर उसका अभी भी सेम होगा। तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, ये फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वो हमेशा होगी 0 या फिर नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी की डेफिनेशन समझ में आई, एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप किसी भी अदर एलिमेंट में ऐड करो तो वो एलिमेंट चेंज ना हो। तो मैट्रिसेस के केस में भी वही होगा, किसी मैट्रिक्स में आपको एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है कि दोबारा से आपको पहली मैट्रिक्स ही आंसर की फॉर्म में मिलनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स हमेशा किसका काम करेगी, एडिशन के लिए आइडेंटिटी का काम। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जैसे 1 2 3 4, इसमें हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें, कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऑब्वियस है कि इसका नेगेटिव हो जाएगा वो -1 -2 -3 और -4, क्योंकि इनको ही ऐड करोगे तभी 0 मैट्रिक्स मिलेगी। तो अगर ए का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो वो क्या होगा, -a, -a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +a, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे भी 0 मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों को ऐड करने पे भी 0 मैट्रिक्स आएगी, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। कैंसिलेशन लॉस, कैंसिलेशन लॉस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी है तो ये लेफ्ट साइड से ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा, बी इक्वल्स टू सी। ये आपको ध्यान भी रखना है कि अगर दो मैट्रिसेस इधर दिए हैं, दो मैट्रिसेस इधर दिए हैं एडिशन में, तो लेफ्ट ये दोनों मैट्रिसेस अगर सेम है तो कैंसिल होकर के आपको बी इक्वल टू सी मिल जाएगा, या फिर बी प्लस ए इज़ इक्वल टू सी प्लस ए है तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू सी। ये लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया, और ये राइट साइड से कैंसिल हो रहा है तो राइट कैंसिलेशन लॉ। सबसे मेन जो है वो आपको एडिटिव आइडेंटिटी, इन्वर्स और ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। कैंसिलेशन तो आप वैसे भी समझते ही हैं, वो डायरेक्टली आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में।
एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, हमेशा जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका साइन चेंज कर दो आप, वो एडिटिव इन्वर्स आपको मिल जाएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बात होगी एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझें आप। कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ फिर से, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों में आपको क्या करना है, ऐड करना है इनको। तो ऐड कब होगा, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका भी 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ऐड कैसे होंगे, पहला वाला इसमें ऐड होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 होता है तो 1 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे वैसे ही। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, ए इज़ इक्वल टू डायगनल। आपको याद होगा इसके पहले वीडियो में मैंने डायगनल मैट्रिक्स आपको बताई थी। तो इसको ए को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए मैट्रिक्स 3 एलिमेंट है तो ये तीनों डायगनल में होंगे, 3, 4, -7, बाकी सब क्या होंगे, 0। ये ए हो गया। इसी तरीके से बी क्या हो जाएगा, -8, 11 और 18, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। इन दोनों को ऐड करना है आपको, ऐड करेंगे तो ऑर्डर दोनों का सेम है तो ऐड हो जाएंगे। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि इस पहला एलिमेंट पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से, तो उसी तरीके से आप माइनस कर सकते हो। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तीनों का ऑर्डर सेम है तो आपको क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। कैसे करना है इसको, पहले बी माइनस सी आप निकालेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसमें ए ऐड कर देंगे वो। और राइट साइड में क्या है, पहले ए प्लस बी निकालेंगे फिर उससे सी को माइनस करेंगे, तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ये प्रूफ करना है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और ये आपको इक्वेशन दी है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड होकर के क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 पहला एलिमेंट, एक्स प्लस वाई प्लस 3 और वाई प्लस जेड प्लस 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 8, 8 और 10। तो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल। तीनों को सॉल्व करके आपको क्या निकाल लेना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से अप्लाई होता है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।